अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग टेक्निक के अबाउट। आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या है और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि एक काम जो आपको ना आता हो लेकिन आपके सर्कल में वो काम करने के लिए कोई बंदा अवेलेबल हो तो आप वो काम उसे असाइन करके दे सकते हैं। लेट्स से एक बायर, लेट्स सपोज मेरे पास एक बायर आता है और उसे वेबसाइट डेवलप करवानी है। ओके, उसने वेबसाइट डेवलप करवानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा। अब उस बायर ने मुझसे पूछा या मैंने ही उससे पूछ लिया, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर वो वेबसाइट बनवा रहा है तो उसको मार्केटिंग भी करवानी है अपने बिजनेस की। अगर वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आ रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए कंपलसरी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ही उसे ऑफर कर सकता हूँ कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, आप कहते हो कि मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मेरे स्किल नहीं है, मेरा स्किल तो वर्डप्रेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सर्कल के अंदर देख सकता हूँ, फेसबुक पे जाके देख सकता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो अच्छा खासा पे करते हैं और लोकल बंदा आपको बहुत ही चीप के अंदर मिल जाता है, वो बहुत ही सस्ते में आपको काम कर देता है। लेट्स से इंटरनेशनल क्लाइंट ने आपको $200 दिए मार्केटिंग के लिए, आपने 50 60 100 डॉलर के अंदर क्या किया, एक बंदा हायर किया और सारा काम वो कर रहा है, सिर्फ आपने आउटसोर्स कर दिया उसको वर्क और $100 आपने विदाउट डूइंग नथिंग क्या हुआ, कमा लिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करके दे सकते हो। मेरे स्कोप के अंदर ऐप डेवलपमेंट नहीं आती समटाइम, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सर्कल के अंदर जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं वो हैं, जब भी मुझे कोई क्लाइंट आता है ऐप डेवलपमेंट का कहता है तो मैं उसे ये नहीं कहता कि मैं ये काम नहीं करता ऐप डेवलपमेंट का, मैं उसे कहता हूँ ओके आई विल डू दैट। तो मैं क्या करता हूँ, उससे चार्ज कर लेता हूँ। लेट्स से वो अगर $2,000 पे कर रहा है एक ऐप बनाने के लिए, तो मेरे पास जो डेवलपर है वो उसको मैं $1,000 पे करूंगा, ही विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी एंड आई हैव अर्नड ऑलमोस्ट $1,000 विदाउट डूइंग नथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती और आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बात है, और किसी भी फील्ड के अबाउट बेसिक सा हाउ नाउ योर नॉलेज इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी कि आउटसोर्सिंग किस तरह से करता है और इसके क्या बेनिफिट है। आप बिना कुछ किए भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम पहले आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पर फोकस करें। अब ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ सारी स्किल्स उठा लेनी और उसके बंदे ढूंढ के वर्क सोर्स करते रहना है, तो ये भी कर सकते हैं लेकिन इसमें रिस्क है। समटाइम आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, आपको ट्रस्ट नहीं करते, तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये टेक्निक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ा देंगी आपकी अर्निंग्स की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।